लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट गिरने में बेघर हुए परिवार एक साथ हुए इकट्ठा। बेघर हुए लोग स्लोगन के साथ अपनी जताई नाराजगी। सरकार से लगाई मदद की गुहार। अपार्टमेंट हादसे को बीत गया एक माह, लेकिन नहीं मिली किसी परिवार को कोई भी मदद। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग अपने रिश्तेदार तो कोई किराए पर निवास करने को मजबूर। अपार्टमेंट में रहने वाला परिवार मुख्यमंत्री से लगा रहा गुहार। हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित वजीर हसन रोड पर 27 जनवरी को गिरा था अलाया अपार्टमेंट। आज आप लोग यहां पर जहां पर आप लोग रहते थे बिल्डिंग गिर गई है, एक महीना पूरा हो गया। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं बातचीत करने के लिए, क्या कुछ आप लोग अपनी बातचीत रखना चाह रहे हैं? क्या कुछ अभी तक आपको सरकार की तरफ से सहायता मिली, क्या कुछ मांगे हैं? सर अभी तक तो कोई सहायता नहीं मिली। यहां पे हम इकट्ठा हुए हैं इसलिए ताकि मेरी हेल्प करी जाए, हम सबकी हेल्प करी जाए। हम लोग रोड पे हैं, एक दूसरे के किसी न किसी के घर पे रह रहे हैं। अब मैं अपनी अप्पी के घर पे रह रही हूँ, कोई कहीं रह रहे हैं, तो हम सिर्फ ये गवर्नमेंट से हेल्प चाह रहे हैं कि या फिर हमें घर दें या फिर कुछ भी, कोई हेल्प करे हमारी, एटलीस्ट सुनिए तो हमारी। आप बिल्कुल सुन नहीं रहे। आप लोग घर से बेघर हो गए हैं, अभी आप लोग कहाँ पे निवास कर रहे हैं? और जो आप लोग मंडला आयुक्त के पास गई थी, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है? अभी मैं अपनी मदर और मंडल आयुक्त की गई थी, तो रोशन मैडम से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो मुझे दोषियों को सज़ा देनी है। उसके ऊपर मैंने बोला कि हमें सज़ा से पहले हमें अपने छत जो गई है वो छत चाहिए वापस। लेकिन जिस तरीके से मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं, अगर फिर भी आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती तो आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठाएंगे? हम लोग सीएम जी से मिलना चाहते हैं और वही हमारी हेल्प करेंगे, योगी जी वही हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं।